ग्राम पंचायत कोरगांव की समस्त महिलाओं ने कलेक्टर को आवेदन देते हुए ग्राम में पीएम आवास व पीने के पानी की समस्या बताई व ग्राम पंचायत की मूलभूत समस्याओं से भी अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में न सरपंच ध्यान देता है, न सचिव और न ही रोजगार सहायक के द्वारा ध्यान दिया जाता है। आप किस गांव से आई हैं? कोरगांव से। कोरगांव में क्या समस्या है, आप लोग जो आई हैं? हम लोग आए हैं, हमारे गांव में पानी नहीं है, घर घर नल लगना चाहिए, हैंड पंप है तो उसमें से पानी नहीं निकल रहा है। एक हैंड पंप में हम 100 मकान वाले पानी भरते हैं, हमको पानी एक गुंडी भी नहीं मिलता है सर। ये कोरगांव की कौन सी स्थिति, मैंने किस दशा की बात है ये जो आप लोग बता रहे हैं, क्योंकि कोरगांव पे तो एक रोड किनारे है। कॉलोनी है सर, इंदिरा कॉलोनी है हमारा, इंदिरा कॉलोनी है, वहाँ पानी का भी व्यवस्था नहीं है। जो रोड किनारे है वहाँ तो हैंड पंप लगे हुए हैं और पानी की भी वहाँ रोड किनारे भी नहीं है साहब, हमारे कॉलोनी के अंदर है मगर उसमें से पानी बिल्कुल नहीं निकलता है। ढांचा पंप लगा है उसमें, तो हमको घर घर लाइट वाला पानी चाहिए और हैंड पंप भी चाहिए वक्त मौका के लिए। जैसा भी गर्मी की स्थिति आ रही है, अब गर्मी की स्थिति में अगर वो हैंड पंप सूखेंगे, जो एक दो हैंड पंप थे ग्राम में, तो नल जल योजना नहीं है ग्राम में? नहीं है साहब, अभी तक नल जल योजना नहीं बना है साहब, बिल्कुल नहीं। पानी के लिए बहुत तड़पते हैं हम आप साहब, एक एक गुंडी पानी में हमारा लड़ाई हो जाता है सबके, रोज लड़ाई नल तो आवास योजना वाला घर। और गांव में आवास योजना का लाभ आप लोगों को नहीं मिला है? जी नहीं, परेशान है जी। ये इसके लिए आवेदन दिए कितने दिन हो गए? कई बार हो गए सर, आवेदन देते हम लोगों को, हाँ, लेकिन अभी तक आवास नहीं, नई योजना नहीं मिली है, नहीं। ग्राम पंचायत क्या बताती है? कुछ नहीं बताती, भरो काम धरो दे दो, हो गया बस। जाता है वो टंगी है, नहीं बनाता है टंगी है। ये ग्राम पंचायत कोरेगांव है ना जी, ये कोई पोषक ग्राम तो नहीं है? नहीं। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें आवास का लाभ नहीं मिला है ग्राम में? इतने सारे लोग आए हैं सर, आधे से ज्यादा अभी आए नहीं है जी, जबकि शासन की योजना है कि प्रत्येक कच्चे घर वालों को आवास देना है जी। और सरपंच सचिव क्या बोलते हैं इस स्थिति में? बस कुछ बोलते ही नहीं है, बोलो आएगा आएगा, कितने सालों से सुन रहे हैं आएगा आएगा। पहले पैसे की मांग के आरोप लगते थे, ऐसी कुछ पैसे की बात तो नहीं है कि पैसे मांगते हो? अभी नहीं है, अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं 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 भी लोग बोलते हैं तो कहते हैं हमारे लेंटर बारे में तुम लोग आ जाओ, तुम्हारा खपरा वाले हमें दे दो, ऐसे बोलना का तरीका है? जी सर, पानी सरपंच की बात करते हैं जी जी, कौन है सरपंच वहाँ पे? सर जिसका नाम राधा भाई, राधा भाई राजू सचिव कटहर मोहल्ला। समस्या सर, किस ग्राम से हैं आप लोग? कोरगांव से। कोरगांव में पानी की समस्या बनी हुई है जी, और आवास समस्या काफी दो तीन साल से, बहुत साल हो गए सर, एक ही नल है वहाँ हैंड पंप एक। और आवाज की क्या स्थिति है? आवाज भी नहीं मिल रहा है सर, नहीं बन रहा है सर। सबरे गांव में 80-90-100 मकान आते हैं और हमारे गांव में 4-5 मकान आते हैं, हमारे मकान पूरे गिर रहे हैं, हम क्या करें आप बताइए? छोटे छोटे बच्चे, गरीब आदमी मजदूरी कर कर के पालन पोषण कर रहे हैं। बाकी ग्राम पंचायत में क्यों मकान के लिए आता है, नल योजना आता है, लाइट वाले नल लगे हमारे गांव में, कुछ भी नहीं, एक हैंड पंप है वहाँ पानी नहीं निकल रहा है, आप बताइए? तो मलूचा कर रहा है, घर घर नल लगना चाहिए, घर घर मकान बनना चाहिए, जैसे जिसको घर को आ तो उनको बनना चाहिए, तो कुछ भी सुनाई नहीं, मजदूरी करते होना चाहिए मकान का।